अंजाम तो यही है, जाने से पहले इतनी मुश्किल होती है, वो चीज तकलीफ दे है। सीनियर एक्ट्रेस शगुफ्ता एजाज के हस्बैंड याया की डेथ हो चुकी है। वो 5 साल से कैंसर को बीट कर रहे थे और दर्द हुआ क्यों? वो लेट लेट के पोजीशन जो की रिसेंट ब्लॉग्स में भी वो अपने हस्बैंड की हेल्थ को लेकर हमें अपडेट करती रहती थी। अपने बीच में स्पीच बंद हो गई थी, बिल्कुल आवाज बंद हो गई थी, फिर राइटिंग पैड रखते थे जिसपे वो लिख के हमें बताएं। वो चीजें बेहतर नहीं हुई, डॉक्टर ने हमें कोई अच्छी बातें नहीं बताई। डॉक्टर ने एक तरह से उनको जवाब दे दिया था क्योंकि ना तो वो बोलने के काबिल थे, ना तो वो हिलने जुलने के काबिल रहे थे, और वो कोई बात भी करते थे तो लिख कर करते थे। शगुफ्ता एजाज ने बहुत ही ख्याल रखा एंड वाले दिनों में अपने हस्बैंड का, और उन्होंने कहा कि 6 माह से मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लिया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दी और उनका ख्याल रखा। इवन तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की। अब आप कि अपने हस्बैंड के साथ पहली शादी नहीं थी, ये उनकी दूसरी शादी थी, और उनके हस्बैंड की भी शगुफ्ता एजाज के साथ दूसरी शादी थी। इन दोनों के ही पहली पहली शादी में से कुछ बच्चे थे और बाद में भी इन दोनों के साथ में भी 2 बच्चे थे। शगुफ्ता एजाज का यही कंसर्न था जब इन्होंने याया के साथ शादी की थी कि मेरे बच्चों को स्टेप फादर जैसा ट्रीट ना किया जाए या फिर पता नहीं वो बच्चों को बाप का प्यार देगा या नहीं। लेकिन हम ब्लॉग्स में भी देखते हैं और शगुफ्ता एजाज खुद भी इस बारे में बात करती हैं कि मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल एक सगे बाप की तरह पाला। याया का बेटा जो कि अमेरिका में था वो भी 2 दिन तक आ रहा था, शगुफ्ता एजाज ने अपने ब्लॉग में बताया था, यानी कि उनके तमाम बच्चे उनको विजिट करने आ रहे थे। यानी कि सबको पता लग चुका था कि इनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और डॉक्टर ने भी एक तरह से जवाब दे दिया हुआ था। कैंसर के वो इस स्टेज पर आ चुके थे कि जहाँ पर तकलीफ का बर्दाश्त करना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। कैंसर का पेन जो है बहुत बुरा होता है, और इस मुश्किल वक्त में उनकी बीवी, उनके बच्चे, तमाम लोग उनके साथ थे, जो कि उनके सगे थे, जो उनके नहीं सगे थे, तमाम लोगों ने मिलकर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्जी, किसी इंसान को इतनी तकलीफ में देखना और अल्लाह ताला ने उनकी तकलीफ आसान की, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए।